नमस्कार दोस्तों देखिए आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का सिलसिला चल रहा था लगभग डेढ़ दो साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ तो उस समय कई चीज़ें सामने आई थी ममता बनर्जी केंद्र सरकार से बड़ी नाराज़ थी सीबीआई से नाराज़ थी सीबीआई को अपने राज्य में नहीं घुसने दूंगी केंद्र सरकार हमारी बात सुनती नहीं है हमारे खिलाफ़ साजिश हो रही है इस तरह की बातें कहाँ करती थी और वहाँ के जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़ उनके बड़े वो खिलाफ़ रहे तीन चार साल तक जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल के और इस दौरान ममता बनर्जी का पंगा उनके साथ लगातार होता रहा दोनों तरफ से ही ना झुकने वाली एक अप्रोच दिखाई देती थी जगदीप धनखड़ भी किसी से कम नहीं थे और ममता बनर्जी भी किसी से कम नहीं थी इसके बाद हुआ ये ममता बनर्जी ने कई बार ये मांग की कि जगदीप धनखड़ को यहाँ से हटाया जाए ये केंद्र सरकार के एजेंट हैं लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी एक नहीं सुनी नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को बनाए रखा वहाँ का गवर्नर और हटाया कब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया अभी कुछ महीने पहले और उन्हें सीधे उपराष्ट्रपति बना दिया तो मैं ये उदाहरण यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि राज्यपाल और जो राज्यों की सरकारें हैं उनके बीच जो संबंध है वो कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सुर्खियों में आए हैं ये विवाद हमेशा से रहे हैं अधिकारों की लड़ाई हमेशा से चलती रही है और राज्यपालों को लेकर शिकायतें हमेशा से राज्यों की रही हैं कि ये केंद्र सरकार के एजेंट हैं और हकीकत बात भी है केंद्र सरकार के एजेंट हैं और एक जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसमें गवर्नर को राज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच की एक कम्युनिकेशन वाली कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है जब हमारे देश का संविधान ही यही कहता है अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर एल से परेशान रहते हैं क्योंकि राज्य सरकार और जो भी सरकारें हैं वो चाहते हैं कि वो जो भी काम करें उन पर स्टैंप लगा दी जाए जो वो मनमानी करना चाहें उस पर रबर स्टैंप की तरह राज्यपाल मोहर लगा दें लेकिन जमाना बदल रहा है अब वो इंदिरा गांधी वाला जमाना नहीं रहा कि सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं सबको अधिकार मिल रहे हैं सब अपने संविधानों का इस्तेमाल संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उसके बाद भी लोगों की बात नहीं बनती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं जहाँ से उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ भी वहाँ से फैसले मिलते हैं कई बार राज्यों को भी आपत्तिजनक निर्णयों का सामना करना पड़ता है अभी देखिए ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में जब भी गई हैं हमेशा हारी हैं किसी भी फैसले के खिलाफ वो कलकत्ता हाई कोर्ट गई हैं तो वहाँ पर उन्हें निगेटिव ही मिला है वहाँ से नतीजा उन्होंने कई मामलों की सीबीआई जांच नहीं कराने की बात कही लेकिन हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच करा दी उन्हीं के राज्य की हाई कोर्ट ने तो ऐसी स्थिति में ये मान लेना कि राज्यपाल बायस्ड हैं या फिर केंद्र सरकार के एजेंट हैं या जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि वो राज्यों के साथ तालमेल नहीं बना कर रखना चाहते ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि आज की तारीख में थोड़ा सा राज्यपाल अपने अधिकारों को ज़्यादा समझ रहे हैं आपको याद होगा टी एन जब बने थे चुनाव आयुक्त उससे उससे पहले उससे पहले चुनाव आयुक्त कौन था कोई किसी को जानता भी नहीं था आज की तारीख में चुनाव आयुक्त अपने आप में एक बड़ा पद है और चुनाव आयोग एक से एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं तो ये एक परंपरा है शुरू होती है आज परंपरा चली है राज्यपाल गवर्नर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और राज्यों की मनमानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मैं ये सब भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तीन राज्य ऐसे हैं और इत्तेफाक की बात देखिए तीनों ही साउथ के राज्य हैं जो इस समय गवर्नर से बड़ा पंगा लिए चल रहे हैं तेलंगाना तमिलनाडु और केरल केरल में आरिफ मोहम्मद खान के साथ लंबा पंगा वहाँ के सीएम और वहाँ की सरकार का चल ही रहा है आरिफ मोहम्मद खान अपनी अप, अपने अधिकारों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और केरल की सरकार को मनवानी नहीं करने दे रहे हैं दूसरी ओर तमिलनाडु में सीटी रवि जो वहाँ के चीफ मिनिस्ट, चीफ़ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन उनके कई कामों को उन्होंने रोका हुआ है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें वे काम सही नहीं नज़र आ रहे हैं और ये जो तीसरा तीसरी शख्सियत हैं ये हैं तेलंगाना की गवर्नर ते तेलंगाना की गवर्नर टी रा, राजन इनका नाम है और इनका बार बार यह कहना है कि इनके खिलाफ केसीआर की सरकार काम कर रही है कल तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि के केसीआर मेरे फोन टेप करा रहे हैं इन सब प्रकरणों से क्या स्पष्ट होता है इन सब प्रकरणों से स्पष्ट यह होता है कि गवर्नर और राज्यपाल जिन्हें कह सकते हैं आप ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और राज्य सरकारें जो मनमानी करना चाहती हैं अपने फ्रीबीज बांटना चाहती हैं या कुछ ऐसे कामों को कराना चाहती हैं जिन्हें जनता के हित में नहीं माना जा सकता उन पर वो एक बार रीथिंक थिंक करने के लिए पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं जैसे तमिलनाडु का मैं उदाहरण दूँ तमिलनाडु के राज्यपाल हैं सी रवि इन्होंने कई ऐसी कई ऐसे प्रस्ताव हैं राज्य सरकार के जो रोके हुए हैं जैसे कि तमिलनाडु की जो सरकार है एम के स्टालिन की डी एम के की कांग्रेस के साथ सहयोग से चल रही है जो वो ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन गेम्बलिंग ऑनलाइन जुआ या जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इसके बारे में कुछ प्रस्ताव वो लाए हैं कुछ कुछ चीज़ें वो बनाना चाहते हैं कुछ लोग कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हैं जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ सके इसको उन्होंने रोका हुआ है इसके अलावा हुक्का बार को लेकर एक कानून लाना चाहते हैं स्टालिन उसको भी इन्होंने रोका हुआ है उनका मानना है कि ये जनहित में नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर तमिलनाडु में इनके साथ काफ़ी खींचतान का चल रही है और अब हुआ ये है कि तमिलनाडु के इस केंद्र गठबंधन ने जिसे सत्तारूढ़ कह सकते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के नेतृत्व वाले एसपीए धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी इनकी सहयोगी है इसके सांसदों ने 50 में से 46 के करीब सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर इनके हैं उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल आर एन रवि को बर्खास्त करने की मांग की और सांसदों ने कथित रूप से देशद्रोही और सांप्रदायिक बयानों और अपने कर्तव्यों में विफल रहने के लिए राज्यपाल को उनके पद से हटाने की मांग की राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यपाल से टकराव रहा है राष्ट्रपति कार्यकाल कार्यालय को 2 नवंबर 2022 को भेजे ज्ञापन में सत्तारूढ़ गठबंधन ने गठबंधन ने राज्यपाल से संबोधित कई मुद्दों को उठाया है और इसमें लंबित नीट विधेयक भी शामिल है ज्ञापन में रवि पर सार्वजनिक रूप से खतरनाक विभाजनकारी धार्मिक बयानबाजी करने का आरोप स्टालिन की सरकार ने लगाया है और इसे राज्यपाल के लिए अशोभनीय बताया ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि सभी कृत्य राज्यपाल को शोभा नहीं देते हैं और इस पर सभी ने साइन किए हैं सांसदों ने नो नो पेज का ये ज्ञापन है इसमें इन्होंने लिखा है कि स्पष्ट रूप से श्री आर एन रवि ने संविधान तथा कानून की रक्षा करने तथा स्वयं को सेवा तथा तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने के वास्ते अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ली थी जिसका वो उल्लंघन कर रहे हैं और राज्यपाल सांप्रदायिक घृणा को भड़काते हैं तथा राज्य की शांति के लिए खतरा है अतः उन्हें अपने आचरण कृत्यों से आर एन रवि ने साबित किया है कि वह राज्यपाल के संवैधानिक पद के उपयोग्य नहीं है तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए केरल में आरिफ मोहम्मद खान के मामले को आप जानते ही हैं आरिफ मोहम्मद खान को लेकर पहले से ही कई मुद्दों पर इनका मतभेद रहा है और आरिफ मोहम्मद खान भी कई साल से केरल के गवर्नर हैं केरल में भी मामला इनके खिलाफ चल रहा है अब केरल में क्या हुआ है उस जो ताज़ा मामला है वो बता देता हूँ कि केरल में राज्यपाल बनाम कुलपति जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनके बीच जंग अब तेज हो गई है राज्य सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर कुलाधिपति जिन्हें कहते हैं के पदों से हटाने की तैयारी कर रहे हैं और केरल सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है और बैठक में इस मुद्दे पर भी बात हुई है कि राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने के बाद इस पर शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी अब तक पूरे देश में परंपरा यही है कि जो गवर्नर होते हैं वो राज्यपाल जो होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं कुलपति होते हैं और जो वहाँ पर काम करते हैं वाइस चांसलर वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं पिछले कई दिनों से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों से 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की उन्हें चेतावनी दी थी जिसके बाद कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंच गए और केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत दे दी आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे आरिफ मोहम्मद खान ने जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे उनमें केरल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोचिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक यूनिवर्सिटी कन्नू विश्वविद्यालय ए पी जे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय और कालीकट विश्वविद्यालय और एजू थाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं केरल के राज्यपाल ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफे के निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों का उल्लंघन दे उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम एस राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यू नियमों के अनुसार कुलपति का चयन करने के लिए पैनल को तीन नाम की सिफारिश करनी होती है लेकिन यहाँ केवल एक नाम बढ़ाया गया जो नियमों का उल्लंघन है आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बताया था हालांकि कुलपतियों ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी मैं आपको बता दूं कि केरल सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर ठनी रहती है इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी हमला बोला था आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपराधी कहा था और हाल ही में केरल सरकार ने विश्वविद्यालयों से संबंधित कानून में संशोधन कर कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर दी थी इसे लेकर भी राज्यपाल और राज्य सरकार में तनातनी चल रही है तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तेलंगाना में आपको पता ही है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के उनकी नई नई राष्ट्रीय नेतृत्व पर जाने की राष्ट्रीय नेता बनने की इच्छा जागृत हुई है और जो टी सुंदर राजन ये वहाँ की गवर्नर हैं सुं उनके साथ उनका पंगा लंबे समय से चल रहा है उनके बारे में ताज़ा मामला सामने आया है टी टी सुंदर राजन ने इनका पूरा नाम है तमिलिसाई सुंदर राजन इन्होंने आरोप लगाया है तेलंगाना सरकार पर कि उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं सुंदर राजन ने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे संदेह है कि मेरे फ़ोन टैप किए गए हैं और राज्य में अलोकतांत्रिक स्थिति है खासकर राज्यपाल के सम्मान में सम्मान के संबंध में मैं उन सभी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहती हूँ टेप मामले में वे यानी कि राज्य सरकार राजभवन को घसीटना चाहते थे उन्होंने तुषार का उल्लेख किया तुषार मेरे एस ए डी सी थे मुझे संदेह है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है तुषार मुझे दो दिन पहले दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन कर रहे थे और उसके बाद ही राज्य सरकार ने तुषार का जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि जो ट्विटर ट्वीट किए गए राज्य सरकार की तरफ से उनमें तुषार का नाम आना ये साफ दर्शाता है कि हमारे फ़ोन टैग किए जा रहे हैं हालांकि उन्होंने यह कहते हुए इस बारे में कुछ भी विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया कि हाल ही में राजभवन को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था के, के जो केंद्र सरकार है वो तेलंगाना की सरकार को अस्थिर करना चाहती है विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कुछ लोग एक वहाँ पर रिसोर्ट में रुके हुए थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चली हैं तीन चार लोग अरेस्ट किए गए थे और उसमें यह था कि बीजेपी टीआरएस के चार विधायकों को खरीदना चाहती थी सौ करोड़ रुपए में तो उसके बाद से यह मामला बहुत ज़्यादा गमर आया है और राज्यपाल और इनके बीच में केसीआर के बीच में लगातार तनी तनी रहती है कई बार प्रोटोकॉल को लेकर मुद्दा हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जब किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री को वहाँ आना चाहिए उनके स्वागत में लेकिन वो नहीं आते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आते हों लेकिन टी सुंदर राजन जो वहाँ की गवर्नर हैं वो अपना प्रोटोकॉल पूरा करती हैं इस बात को लेकर भी कई बार मतभेद हुए हैं वहीं इससे पहले ईडी ने कथित ग्रेनाइट घोटाले से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत तेलंगाना के मंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता गंगुला कमलाकर से जुड़े परिसरों पर भी बुधवार को छापे मारे और इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में तनातनी रहती है देखिए दोस्तों ये सब मामले चलते रहेंगे गवर्नर्स के बीच में और राज्यपालों के और राज्य सरकारों के बीच में ये विवाद हमेशा से थे और हमेशा से ही रहेंगे लेकिन मैं सिर्फ आज एक चीज ये बात बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को सभी लोगों को जहां पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन सब लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंदिरा गांधी का जब दौर था वहां गवर्नर भी कुछ नहीं करते थे सीधे ऊपर से आदेश आता था और राष्ट्रपति शासन लग जाता था अब देखिए हेमंत सोरेन का मामला हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग लिख कर दे चुका है कि इन्हें विधायक के तौर पर डिस्कालीफाइड किया जाए उसके बावजूद भी वहां के गवर्नर ने रमेश बैस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया वो चा वो जानते हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा इनकी डिस्कवालिफिकेशन होगी दोबारा उपचुनाव होगा या फिर से विधायक चुने जाएंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इस तरह के मामलों में कुछ सॉफ्ट रवैया भी नजर आया है लेकिन नरेंद्र मोदी की मैंने एक प्रवृत्ति देखी है इंदिरा गांधी पर भी आऊँगा नरेंद्र मोदी की एक प्रवृत्ति देखी है कि वो दबाव में किसी काम को नहीं करते अगर मैं कृषि कानूनों के मुद्दे को छोड़ दिया जाऊं जिसमें बहुत लंबे समय तक आंदोलन चल गया था और नाराज हो गए थे किसान और उसमें नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए उसे ज़रूर पीछे ले लिया था लेकिन गवर्नरों वाले मुद्दे पर तो वो बिल्कुल भी नहीं झुकते हैं अब देखिए सतपाल मलिक जो मेघालय के गवर्नर थे इससे पहले गोवा के और जम्मू कश्मीर के भी रहे पिछले तीन साल से लगातार भोंक रहे थे नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें हटाया नहीं उन्हें लगाए रखा और जब उनका मेघालय का गवर्नर का पूरा का पूरा कार्यकाल उनका ख़त्म हो गया जब वो रिटायर हो गए और कहीं नई नई जगह पर उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई तो ऑटोमेटिकली ही वो बाहर हो गए अगर बीच में हटाया जाता तो फिर ये संदेश जाता कि भाई मोदी की कृषि नीतियों की आलोचना कर रहे थे सतपाल मलिक या जाटों को लेकर कुछ बातें कह रहे थे इसी वजह से उनको हटा दिया गया है तो वैसे सतपाल मलिक की बहुत बड़ी इच्छा ये थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाए लेकिन नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को बनाया जगदीप धनखड़ जिन्होंने तीन चार साल तक ममता बनर्जी के साथ जमकर लोहा लिया और ममता बनर्जी को हमेशा पछाड़ कर रखा उन्हें इनाम दिया गया जगदीप धनखड़ भी जाट थे अगर जाट को ही बनाना है तो फिर वो सतपाल मलिक को क्यों बनाएंगे उन्होंने जगदीप धनखड़ को बना दिया बहुत सारी चीजें हैं ऐसी और मोदी मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी को आसानी से हटाते थे नहीं है अब देखिए इंदिरा गांधी क्या किया करती थी कि जहाँ की सरकार उनकी नहीं सुनती थी वो गवर्नर ववर्नर के चक्कर में नहीं पड़ती थी नरेंद्र मोदी का तो चलिए कह सकते हैं कि गवर्नर के माध्यम से दबाव रखते हैं लेकिन इंदिरा गांधी तो सीधे राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती थी और मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ इंदिरा गांधी का कि हमारे देश में फिफ्टी टाइम इक्यावन बार राज्यों में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए हैं जो एक रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है और सब उसके बाद दूसरा नंबर किसका है मुरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की सत्रह बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया जबकि केवल दो पौने दो साल के लिए वो सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो जो 26 मई 2014 में बनी अब तक केवल दस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया और वो राष्ट्रपति शासन भी किस वजह से लगे कोई बहुमत साबित नहीं कर पाया सरकार गिर गई कोई और दूसरे रीजन्स रहे कभी भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर किसी राज्य की सरकार नहीं आजमाई गिराई है देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से किया महाराष्ट्र में शिवसेना में तोड़फोड़ हुई और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनवाई केरल कर्नाटक में भी ऐसे ही किया था वहाँ पर भी यही किया मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगने दिया वरना वो चाहते तो राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा चुनाव करा सकते थे तो मेरा इस मामले में सिर्फ यही कहना है कि ये जो राज्य इस समय खासतौर से तमिलनाडु केरल तेलंगाना जो इस समय विरोध कर रहे हैं राज्यपाल के छोटे छोटे मामलों को लेकर उनका विरोध कर रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ है नरेंद्र मोदी वो काम नहीं करना चाहते हैं जो इंदिरा गांधी ने किया है नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कल को उनके कार्यकाल को देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए याद किया जाए इंदिरा गांधी तो कभी अपने जीवन में पाँच साल तक लगातार प्रधानमंत्री रही भी नहीं है और नरेंद्र मोदी तो अब लगभग दस साल रहने जा रहे हैं लगातार दस साल रहने जा रहे हैं इंदिरा गांधी तो कभी भी नहीं रही जिन्हें इतनी बड़ी महान नेता कहा जाता है और उन्होंने पचास से ज़्यादा बार राज्यों की सरकारें गिराई वहाँ पर अनैतिक तरीके से वहाँ की सरकारों को गिराया गया और ख़ासतौर से वो सरकारें जो उनकी नहीं सुनती थी फटाक से उन्हें हटा दिया करती थी और आज के दौर में जब इतना सब कुछ ओपन अप हो गया है सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं तो ये राज्य सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मनमानी कर रहे हैं मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाहे वो तमिलनाडु हो तेलंगाना हो चाहे वो केरल हो जिस तरीके से इन लोगों ने स्टैंड लिए हैं और अपने गवर्नरों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इनके दबाव में आने जा रहे हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं स्टालिन डी के उन्होंने तो ये जो चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है कि रवि को हटाया जाए गवर्नर के पद से इस चिट्ठी को उन्होंने इसकी कॉपी उन्होंने अमित शाह को भी भेजी है केंद्रीय गृह मंत्री को भी कि भाई आप इनको हटाइए यहाँ से हमारे कई कानूनों को ये बिलों को ये पास नहीं होने दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है इससे बेहतर तो इन राज्यपालों को इन राज्यों की सरकारों के लिए बेस्ट बेस्ट यही रहेगा कि वो गवर्नरों के साथ मिलकर चलें और उस रास्ते को निकालें जो निर्विवादित हो अब बताइए उड़ीसा में बैठे हुए हैं नवीन पटनायक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है वो तो अपनी सरकार बिल्कुल आराम से चला रहे हैं इन्हीं को इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है कई और भी राज्य हैं जहाँ पर विरोधी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर भी सब ठीक ठाक काम चल रहा है लेकिन इन तीन को ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे तो लगता है कि अभी हाल ही में ममता बनर्जी मिलने गई थी स्टालिन के साथ दो नवंबर को स्टालिन से उन्होंने मुलाकात की थी और उसी के बाद से मुझे लगता है कि शायद वो उन्हें सिखा कर आई हैं कि भैया गवर्नर के खिलाफ बोलो पंगेबाजी करो हालांकि इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी और स्टालिन दोनों के ये बयान आए थे कि ये हमारी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई लेकिन भला ममता बनर्जी कहीं जाएं और राजनीतिक चर्चा ना हो इज इट पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा और उन्होंने शायद ये पट्टी पढ़ाई हो कि जिस तरीके से मैंने जगदीप धनखड़ का विरोध किया था तुम सब लोग भी अपने गवर्नरों का विरोध करो क्यों जब दब रहे हो इनके सामने लेकिन ममता को ये, ये नहीं भूलना चाहिए कि धनखड़ को नरेंद्र मोदी ने हटाया नहीं हटे वो तब जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा शेयर करना बहुत ज़रूरी है और अपने दोस्तों को जब शेयर करें तो उनसे ये जरूर कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सब लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें वरना मेरे लाइव आने का पता ही नहीं चलेगा फ़ायदा क्या होगा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें